ओके तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अपना आज का काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, कुछ थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, ठीक है, 8 मिनट ऊपर भी हो गए। तो सबसे पहले हमने करना है मोमेंटम, ठीक है जी, डेफिनेशन इसकी और इसका फार्मूला। आवाज़ बहुत स्लो है, आवाज़ बहुत स्लो है, ऐसा क्यों है? जी बेटा मुश्तबा, मुझे पता चल गया, आवाज़ स्लो है। ठीक है, टेस्ट में बेटा बताया तो था कि फर्स्ट आपके एमसीक्यूज हैं चैप्टर 1 के, ठीक है जी, और जो दूसरे दिन आपका डिटेल्ड है उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है, उसमें तकरीबन सारा आएगा इंशाल्लाह ताला। आज की, कल की और परसों की क्लास, ठीक है, तीनों क्लासों का आएगा, और इन तीनों क्लासों में उम्मीद यही है कि हम इंशाल्लाह ताला जो चैप्टर 3 की थ्योरी है वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आवाज़ वाला मसला मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, मीनवाइल हमारी क्लास भी चलती रहेगी। पता नहीं आवाज़ क्यों स्लो आ रही है बेटा। नोट से याद कर लें, जाएं जो मैं लिखवा रहा हूँ इससे याद कर लें, किसी भी चीज़ से याद कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। किसी के एमसीक्यू सिर्फ चैप्टर 1 के हैं, ठीक है, नहीं परेशान हो, ठीक है, इंशाल्लाह ताला सबको हर चीज़ क्लियर कर दूँ, परेशान नहीं हो। नहीं, ये फिर ऐसे पकड़ के बैठो, वो गाय माइक को लगा नहीं, ये जोड़ बड़ा सा बड़ा बस पकड़ के। जी बेटा आवाज सही हो गई? इरशा आवाज सही हुई? जी आवाज सही हो गई भाई? हुई थी फिर वापस वैसी ही हो गई? कि स्लो है, स्लो है, आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सही करता हूँ इसको। हाँ जी आवाज आ रही है अब सबको? हाँ ठीक है, ओके चलें जी। तो
हम मोमेंटम शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। मोमेंटम डेफिनेशन क्या था, याद है किसी को डेफिनेशन? मैं वेट नहीं करता, ठीक है, थोड़ा जल्दी जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है जी। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। बॉडी में हरकत की मिकदार को, इससे मैं बाद में पेपर को डिस्कस करूंगा बेटा, अभी मुझे क्लास करने दो, ठीक है। वैसे ही हम देर हो गई है, 14 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है, सेटिंग के अंदर, तो फिर टाइम क्लास कंडक्ट करने दो, ठीक है, बता दूंगा पेपर का, नहीं परेशान हो, ठीक है। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। बॉडी में, जिस्म में हरकत की मिकदार को मोमेंटम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है जी। यहाँ इज इक्वल टू मोमेंटम, क्लियर है ना आप सबको? कोई परेशानी तो नहीं है? और फार्मूला हमारा क्या बनता है, पी इज इक्वल टू एम वी, वेयर पी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, एम इक्वल टू मास, वी इक्वल टू वेलोसिटी। जी क्लियर है सबको यहां तक? कोई परेशानी तो नहीं है, आवाज वगैरह हर चीज? जवाब दे दो। ओके, तो ये यहां तक की बात हो गई। अब जी अब्दुल्ला, क्या हुआ? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खान, क्या चीज क्लियर नहीं है अब्दुल्ला? ओके, सही है जी। तो अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ, ठीक है जी। यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है, लेकिन इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है। और उसको हम कैसे करते हैं, हम उसको ऐसे करते हैं, देखो, मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आपके मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक यूनिट हो गया, ठीक है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसको न्यूटन मीटर कैसे बनाते हैं? इसको न्यूटन मीटर हम ऐसे बनाते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है जी। सेकंड से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये नीचे वाले दोनों सेकंड मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर वाला सेकंड आपका अकेला रह जाएगा, ठीक है जी। फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? न्यूटन के। तो मोमेंटम का यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड, ये आपके बुक में हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट है, और न्यूटन सेकंड मोमेंटम का SI यूनिट है। ये डेरिवेशन इसकी, ये मतलब यूनिट की, मैं इसलिए करवा देता हूँ कि कोई पता नहीं है कि वो इसको पूछ लें आपसे एग्जाम में कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड कैसे बनता है, या मोमेंटम की यूनिट की डेरिवेशन करें, ये दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं जी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा। जी बेटा, मुश्तबा कॉपी कर लें अगर करना है तो, ठीक है। नोट्स में वैसे ये चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है जी, नोट्स मेरे ही हैं,
लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं फिजिकली चीज़ें पढ़ाता हूँ, और डेरिवेशन तो आपने सारी करनी है ठीक है जी, लेकिन थ्योरी की जो चीज़ें हैं उस पे आप आज़ाद हैं कि आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, नहीं तो नहीं से। अच्छा, तो ये तो हो गई सारी फिजिक्स की बात, टेक्निकल बात, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि कभी फिजिकली मोमेंटम देखा है आपने? स्पीड आपको पता चलती है, एक्सेलरेशन हमारी बात हो चुकी है, डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है पता चलती है, मोमेंटम कहाँ है, कहाँ नजर आता है बॉडी के अंदर? कैसे डिफाइन करोगे मोमेंटम, क्योंकि बॉडी का मोमेंटम है ठीक है, इसको किस तरीके से बात करते हैं हम? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मोमेंटम आपको कैसे बताऊं, फिजिकली कहाँ ये पाया जाता है, क्या बला है जी, कोई रिप्लाई करें, क्या समझ आती है मोमेंटम क्या चीज है? कोई किसी ने रिप्लाई नहीं किया, नाराज हो गए हो सारे, या आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सबको? कोई आदमी रिप्लाई नहीं कर रहा? अरे भाई क्या हो गया, ऐसी क्या नाराजगी है? ओके अच्छा, मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ ना ठीक है जी, अनम्यूट करने के लिए खुद को, तो मतलब किसी को टाइप नहीं करना आ रहा हो तो वो मुझे बात कर सकता है डायरेक्टली ठीक है जी। अच्छा, बिस्मा सेठ नहीं पता, और कोई भाई, किसी कोई कोई भी गलत सही का मसला नहीं है ठीक है जी, मतलब उससे अफ्रेड नहीं हूँ कि आप गलत बताएंगे, लेकिन क्या मैं सही नहीं कह रहा? मोमेंटम कभी देखा है? किधर है मोमेंटम? मतलब फिजिकली कैसे बताओ किसी को कि मोमेंटम है कैसे? रिप्लाई नहीं आ रहा आज, मुझे लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चे मुझसे ज्यादा थके हुए हैं। देखो फिर गायब हो गए हैं सारे। मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है वजीर, बोन्स 10-10 में पढ़ा था बुलेट के सैंपल से ठीक है। देखो मोमेंटम मैं इस तरीके से बताता हूं कि आप फुल स्पीड भाग रहे हैं, छोड़ो, मोमेंटम इज अ फोर्स देयर फोर कैन नॉट बी सीन फिजिकली, तो अपने करतूत से बता दे, जैसे फोर्स का हमें कैसे पता चलता है, जब वो किसी चीज पे एक्ट करती है पता चल जाता है ना ठीक है जी, या नहीं पता चलता? फातिमा, रिदा फातिमा, पता चल जाता है ना जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे हैमरिंग की हमने या इस तरह की कोई भी चीज है ठीक है जी, कोल्यूजन ऑफ बॉडीज कायनात ने कहा है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। चलो मैं जो बात समझता हूँ उससे समझाता हूँ तुम्हें, देखो समझ आती है कि नहीं। देखो बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं स्पीड से, या खुद रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिस जगह हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी की, क्या गाड़ी ऑन द स्पॉट उसी जगह रुक जाती है? सवाल का जवाब दें। आप गाड़ी पे हैं, 40, 50, 60, 70 जितनी भी स्पीड है आप, आपने जैसे ही ब्रेक लगाई क्या वहीं गाड़ी रुक गई? ठीक है जी, सब कह रहे हैं नहीं सर। फिर क्या होता है, वहां नहीं रुकती तो कहां जाके रुकती है? चांद पे जाके रुकती है। क्या होता है फिर बताओ? थोड़ा आगे रुकती है। वेरी गुड मरियम मेरा बेटा, वेरी गुड। वो थोड़ा आगे क्यों चली गई आफ्टर फ्यू सेकेंड, थोड़े डिस्टेंस के बाद क्यों चली गई थोड़ा? आपने तो ब्रेक लगा दिए कि रुक जाओ। ठीक है जी,
आपने तो ब्रेक लगा दी है, रुक जाओ, ठीक है। लेकिन वो वहां पे नहीं रुकी, क्यों? एक्चुअली टायर रगड़ खाते हैं उसके बाद, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जो मैं समझता हूं, मोमेंटम इज अ रिदम। रिदम समझते हो जी? मोमेंटम इज अ रिदम। रिदम समझते हैं क्या होता है रिदम? कौन बताएगा रिदम क्या होता है? म्यूजिक के नोट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, म्यूजिक के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये वहीं से है मेरा बेटा, कि जब डिफरेंट म्यूजिक्स के नोट्स अपने अपने टाइम पे प्ले होते हैं ना, तो फिर म्यूजिक का एक रिदम बनता है। या अल्लाह रहम करना, ठीक है। समझ आई?
ओ सॉरी, मुझसे आवाज बच्चे बंद हो गई थी, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? ओके, हम बात कर रहे थे रिदम। तो जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स मिलके जनाब वो क्या करते हैं कि वो एक मतलब साउंड बना देते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये उसी तरीके से, तो ये रिदम जो है ना, जैसे अब अच्छा ये किसी भी चीज का होता है, ये भी पहले बता दूं, ठीक है? क्रिकेट सब लोग देखते हो तो क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। देखो बैट्समैन कोई भी जो बैटिंग पे आता है, ठीक है, तो क्या वो आते ही छक्के चौके मारना शुरू कर देता है? आफरीदी का मसला नहीं है, वो तो सेपरेट केस है, ठीक है, शायद आफरीदी के अलावा बात करना। नॉर्मल एक बैट्समैन जो है वो आते ही हर बॉल पे छक्का तो नहीं मार रहा होता ना, या हर बॉल पे मतलब बड़ी हिट तो नहीं लगा रहा होता। जवाब नहीं दे रहे, माइक पे जवाब दे दें, ठीक है? सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर कितना है? सबसे ज्यादा किसी बैट्समैन का इंडिविजुअल स्कोर कितना है अकेले बैट्समैन का क्रिकेट में 50-50 में? आलियान ने कहा किस फॉर्मेट में? वाव, चलो आलियान जवाब दो। 50-50 में, 50 ओवर्स मैच में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर किसका है और कितना है? जी कितना है वजीर रहमान? शाबाश, सही जवाब दिया है वजीर ने। नहीं अब्दुल्ला खान, आप गलत हैं। दो सौ 265 रन बनाए हुए, 265। ये रोहित शर्मा का इंडिविजुअल स्कोर है, इंडिया में बैटिंग कर रहा था, ठीक है जी, तो वो इनिंग मैंने देखी थी, सही है जी। 47th ओवर में या 46 कर लो, उसके 200 रन मुकम्मल हुए थे। पीछे ओवर कितने बचे? तीन से मतलब चार से कम, तीन साढ़े तीन कर लो। इस तीन साढ़े तीन ओवर में 65 रन और उसने बनाए थे। वो कमेंट्री के वक्त सुनते हो ना कभी के क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट, समझ रहे हो? आज रोहित शर्मा से बोलो दोबारा वो इनिंग खेल के बिताए कर सकेगा वो? है बच्चों, क्या जवाब है? दोबारा वो इनिंग इस तरह खेल सकता है? आफरीदी ने 37 बालों पे 102 एक ही दफा बनाए थे ना, दोबारा बनाए कभी? क्यों और ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि व्हेन योर बॉडी, ऑल ऑफ योर बॉडी, मतलब पूरे के पूरे आप जिस काम को कर रहे हो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हो, तब ये चीज होती है। और इसी सिंक्रोनाइजेशन को मोमेंटम कहते हैं, रिदम। जैसे मैं अब अपनी पढ़ाई के हवाले से बात करता हूँ, क्रिकेट की तो तुम लोगों को बता दी मैंने, ठीक है जी। मैं फर्स्ट ईयर में था और मैं मैथ्स का काम कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री मैंने शुरू की। तो शुरू में मुझे सवाल सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। आप यकीन करेंगे मैंने मैथ्स का पूरा एक रजिस्टर, 7 चैप्टर मैंने एक रात के अंदर सॉल्व किए थे, 7 चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री सारे का सारा, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये पूरा मैंने पूरी एक कॉपी भर दी थी एक वन नाइट के अंदर। तो ये चीज क्या है? ये मोमेंटम, रिदम, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है जी, कि जब आप मुकम्मल तौर पे किसी चीज के साथ रच बस जाते हो तो आप एट योर वेरी बेस्ट होते हो। मतलब दोबारा आप मुझे कहें ना कि सर दोबारा ये काम, नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो? मैं खुद नहीं कर सकता,
सही है, हालांकि आज मैं टीचर हूं पढ़ा रहा हूं लेकिन शायद आज भी ना कर सकूं। हाँ ये है कि अगर मैं इसको शुरू करूंगा तो मे बी आई कैन डू इट। तो मोमेंटम क्लियर हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा जी? मोमेंटम क्लियर हुआ? थ्योरेटिकली तो हमने उसको देख लिया है, समझाने में मोमेंटम की समझ आई कि ये होती क्या बला है? जी बच्चों ठीक है ओके। फिर हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? इजाजत है? इरेज कर दूं, क्लियर कर दूं सारा? ओके ये क्लियर हो गया। ओके नाउ वी हैव टू गो, ठीक है हट जाओ यार यहां से। चलें जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। अच्छा ये मैं अब डिक्टेट करूंगा और कोई आदमी अगर पीछे रह जाएगा तो वो मुझसे इस बारे में मतलब मुझे रोक सकता है। अदरवाइज मैं इसको डिक्टेट करूंगा जी। करूं डिक्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को? तैयार हैं लिखने के लिए? हेडिंग दे दी। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही हानिया, मैं दोबारा इसको स्टॉप शेयर करके कर देता हूं आपके लिए, ठीक है? ये ले, ठीक है अब आप इसको, और अगर अभी भी नहीं हो रही तो आप रिकनेक्ट कर लें हानिया, ठीक है जी। ओके जी मैं इसको डिटेक्ट कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, सही है जी। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखें, हेडिंग दें स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम अपना मेन टॉपिक जो है आज का उसकी तरफ आएंगे, ठीक है जी। ओके स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, लिखें दिस लॉ स्टेट्स दैट This law states that कोई पीछे रह जाए तो मुझसे पूछ सकता है। This law states that inverted commas if there is no external force if there is no external force applied to a system if there is no external force applied to a system comma then total momentum of that system remains constant. Total momentum of that system remains constant.
ये तो हो गई स्टेटमेंट, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन पे आ जाए, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें। जी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दी बच्चों, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दी। ओके लिखें बेटा, कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ए बड़ा बी बड़ा। कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। जी ये नोट्स में है ईशा, मौजूद है मेरा बेटा, ठीक है जी। Having masses, consider a system consist of two objects A and B. Having masses M1 and M2. Screen पे लिख रहा हूं कुछ। Having masses M1 and M2. Moving with initial velocities U1 and U2. Respectively, before collision U1 U2 small hain and with velocities V1 and V2 after collision. ठीक है जी, तो therefore momentum before collision is equal to m1 u1 plus m2 u2 and momentum after collision is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है जी, अब ये इसका प्रूफ भी है और एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों बातें हमें बराबर करनी है, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमने बराबर करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां रुक के फिर हम नेक्स्ट पैरा शुरू करते हैं। अगर आप लोग यहां पे आ गए हैं तो मैं नेक्स्ट पैरा आप लोगों को बताऊं। यहां तक आ गए हैं बच्चों? ओके नेक्स्ट पैरा लिखे, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। ओके तहलील कह रहा है, वेट कर लेते हैं।
तहलील का 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। ओके तो आगे हम लिखेंगे, ठीक है जी। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, they come in contact, they come in contact when two bodies collide with each other, when two bodies collide with each other, they come in contact, they come in contact, contact for a time interval small t, for a time interval small t, full stop. During this interval, during this interval, both bodies, both bodies exerts exerts, both bodies exerts force on each other, both bodies exerts force on each other, both bodies exerts force on each other.
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। Which is equal to rate of change of its momentum. ठीक है, यहां तक आ गए बेटा, कोई पीछे तो नहीं रह गया, सबको क्लियर है क्लास? ओके चलें जी, मैं ये वाइट बोर्ड तो आप लोगों ने लिख लिया है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे इस पे लिखना पड़ेगा। आगे लिखें, द एवरेज फोर्स, नेक्स्ट लाइन में द एवरेज फोर्स exerted by body A the average force exerted by body A on body B exerted by body A on body B is given as O and on exerted by body A on body B, O and on, Isha, is given as ये जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ये देख के लिख दीजिए, इस गिवन एस के बाद एफ ए बी इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइड बाई टी। सिमिलरली इक्वेशन के बाद लिखें, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी exerted by body B on body A exerted by body B on body A is given as as the forces directed oppositely FAB is equal to minus FBA, ठीक है जी, putting their values
एफ ए बी एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइड बाय टी इक्वल टू माइनस एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइड बाय टी। टी से टी कैंसिल हो गया, सही है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बचा, एम टू यू टू, सॉरी एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इक्वल टू माइनस का इंपैक्ट डालेंगे माइनस एम वन वी वन प्लस एम वन यू वन। वजीरुर्रहमान गिवन एस कौन सा, गिवन एस के बाद यहां से लिखना है, ये देखो एफ बी ए यहां से, ठीक है जी। माइनस का इंपैक्ट डलेगा माइनस एम वन वी वन और माइनस माइनस प्लस एम वन यू वन। अब ये माइनस यहां आके प्लस होगा और ये माइनस वहां जाके प्लस होगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। सर यहां तक लिख लें तो मुझे बता दें, और कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। जी अब्दुल्ला कहिए बेटा। ऑपोजिटली आई डॉट ई एज द फोर्सेस डायरेक्टेड ऑपोजिटली, ऑपोजिटली का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक लेफ्ट टू राइट है दूसरी राइट टू लेफ्ट है। आई डॉट ई एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, फिर पुटिंग देयर वैल्यूज एफ ए बी की वैल्यू पुट की एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू डिवाइड बाई टी, माइनस का इक्वल के बाद माइनस का साइन, फिर एफ बी ए की वैल्यू पुट की एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और बाकी फिर माइनस का इंपैक्ट डाला तो एम वन वी वन माइनस हो गया और एम वन यू वन प्लस हो गया। माइनस वाला एम वन वी वन इस तरफ ला के प्लस कर दिया और एम टू यू टू माइनस वाले को दूसरी तरफ ला के प्लस कर दिया। यहां तक लिख लें, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहां तक। यहां तक कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिए बेटा। बेटा मैट्रिक वाले में इस तरीके से हुआ हुआ नहीं है, ठीक है। मैट्रिक वाले में जस्ट एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ नहीं है, ठीक है जी। तो अगर उसने प्रूफ के लिए कह दिया तो प्रूफ आपको फिर परेशानी होगी, तो लिहाजा मैट्रिक वाले में प्रूफ है नहीं मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। अब्दुल्ला शेख, ठीक है। एफ बी ए से पहले माइनस क्यों लगाया, आपके सामने मैंने ऊपर लिखा है एज द फोर्स डायरेक्टली ऑपोजिटली, मतलब एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरी राइट टू लेफ्ट है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक को आप पॉजिटिव लेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है हानिया, क्लियर है बेटा। एक डायरेक्शन यानी कि एफ ए बी को आपने पॉजिटिव लिया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है एफ बी ए उसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके, तो ये लास्ट तक हमने लिख लिया,
तो आप आगे लिखें विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लास्ट जो हमने इक्वेशन लिखी m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, इसके बाद लिखें विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Which is law of conservation of momentum? Which is law of conservation of momentum? Can also be stated as can also be stated as can also be stated as the total momentum the total momentum of an isolated system the total momentum of an isolated system before and after collision before and after collision before and after collision before and after collision remain same मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं तहलील ठीक है ये जो इक्वेशन हमने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है इसके बाद आपने लिखना है विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम which is law of conservation of momentum which is law of conservation of momentum can also be stated as can also be stated as can also be stated as the total momentum of an isolated system 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 remains same before and after collision remains same before and after collision remain same before and after collision जी हो गया बेटा
सब लोगों ने कर लिया, मुझे ओके कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट चीज करें। ओके तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये बाज़ औक़ात आ जाता है, पूछ लेता है आपसे, ठीक है। प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये जो बात हमने अभी ऊपर लिखी कि फोर्स इज एग्जर्टेड बाय इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसका प्रूफ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये बात लिखी ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये उसका प्रूफ है। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्टॉप शेयर करते हैं, ठीक है जी। दोबारा शेयर कर देते हैं, हाँ जी। अब हो गई स्क्रीन शेयर। फातिमा, स्क्रीन शेयर हो गई बेटा, रीकनेक्ट कर लो। फातिमा रीकनेक्ट कर लो जी। बाकी किसी को प्रॉब्लम स्क्रीन का? ओके, हमारा सवाल है प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है जी। आंसर करते हैं इसको। According to Newton's third law of motion, F is equal to ma, ठीक है जी। According to Newton's third law of motion, F is equal to ma. But A is equal to VF minus VI upon T from first equation of okay second law था, मैंने गलत लिख दिया, sorry according to Newton's third law second law of motion, ठीक है। Thank you sir. According to Newton's second law of motion, F equal to ma, but A is equal to VF minus VI upon T from first equation of motion, ठीक है जी। तो अब put कर दें, F is equal to m और A की जगह VF minus VI upon T, ठीक है जी। m VF और VI से multiply हो जाएगा, m VF माइनस एम वी आई अपॉन टी, ठीक है जी। एम वी एफ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम वी आई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, तो एम वी एफ पी एफ के बराबर हो गया
और एम वी आई पी आई के बराबर हो गया, यानी कि पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। तो ये चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन टी, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, कोई परेशानी किसी की है तो बता दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। पी के बाद पी एफ, बट पी इज इक्वल टू एम वी, ये लिखा है मैंने पी एफ, ठीक है जी, और ये लिखा है पी आई। ठीक है, ये लिखा है पी एफ और आगे लिखा है पी आई। तो ये बात हमने प्रूफ करनी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, हैंस प्रूव्ड अबील आदिल, हैंस प्रूव्ड, जो बात हमने प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी की? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। एफ सर एंस एफ से क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, एफ फॉर फोर्स, डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। नजर कैसे नहीं आ रहा यार, अवैस बोर्ड ये शो करो जरा, ठीक है। चलो भाई क्लियर है यहां तक सबको, कोई परेशानी किसी को, कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। कनीस फातिमा सेड नो, और कोई जिसको परेशानी है तो पूछ लो बेटा। कोई परेशानी नहीं है किसी को भी बेटा, फोर फोर मार्क के सवाल हैं ये, ठीक है जी। या जितना भी काम किया है ये सब चार नंबर के लिए, इनमें से जो भी चीज आएगी चार नंबर के लिए आएगी, या कोई एमसीक्यूज वगैरह आएगा, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने कोई भी नहीं किया, इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस आ सर, आज तक इनमें से कोई चीज लॉन्ग में आई नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी किसी की? चलें अब हम आगे मजीद काम तो कर नहीं सकेंगे, न्यूमेरिकल का मेरा इरादा था लेकिन वो अब नहीं हो सकेगा, तो यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर हम क्लास ऑफ करेंगे।
पेपर का बता दें, पेपर बेटा इंशाल्लाह ताला अभी मैं डिस्कस करके, वैसे जो नॉर्मली तौर पे है, नेक्स्ट क्लास बायो की कब स्टार्ट होगी? इंशाल्लाह 6 बजे होगी बेटा, ठीक है जी। पेपर का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, जिसका टेस्ट आपका 12 तारीख को है, ठीक है जी। और थ्योरेटिकल जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, हम इंशाल्लाह ताला कल और परसों में पढ़ लेंगे, उसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला 13 तारीख को, ठीक है जी। ठीक है, डायमेंशन आएंगी और चैप्टर 3 की सारी थ्योरी आएगी, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज नहीं है, चैप्टर 1 के सिर्फ एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 1 से डायमेंशन आएगी और चैप्टर 3 जितना पढ़ लेंगे वो सारे का सारा आएगा, उसके एमसीक्यूज नहीं आएंगे। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ आएगा, एमसीक्यूज नहीं आएंगे। एमसीक्यूज सिर्फ चैप्टर 1 से आएंगे, एमसीक्यूज सिर्फ चैप्टर 1 से आएंगे, और थ्योरी चैप्टर 1 से डायमेंशन और चैप्टर 3 की कंप्लीट थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सारी की सारी आएगी, उसमें कोई नहीं। हाँ जी, पक्की बात है ईशा, सिर्फ चैप्टर 1 के एमसीक्यूज आएंगे। चलो ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम